हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक क्लेमर। आज के इस वीडियो में हम DJI के बिल्कुल नए ड्रोन की बात करेंगे। आज मैं इसके कैमरा सैंपल दिखाऊंगा और आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस ड्रोन के वेट की बात कर ले। जैसे इसके नाम में मिनी आता है, वैसे इसका वेट भी बहुत कम है। इसका वेट 214 ग्राम के अंडर है और ये 12 किलोमीटर तक चले जाता है। कोई सोच सकता है कि छोटे से ड्रोन 12 किलोमीटर तक जा सकता है। फ्रेंड्स, ये 4K पे रिकॉर्ड कर सकता है और जब हम इसके लाइव स्ट्रीम करते हैं, मतलब लाइव देखते हैं, तो हमें 1080p पे देता है वीडियो की रेजोल्यूशन, जो कि थोड़ी सही है, लेकिन 4K बहुत तकड़ी बात है। फ्रेंड्स, अब इस ड्रोन की डिजाइन एंड बिल्ड की बात कर ले तो हमें इसमें 4 फैंस मिल जाते हैं और इसमें एक कैमरा मिल जाता है सेंटर में। और फ्रेंड्स, ये ड्रोन बहुत छोटा हो जाता है। ये इतना छोटा हो जाता है कि आपकी जेब जैकेट में आ जाएगा। अब इसके रिमोट कंट्रोलर की बात कर ले तो हमें इसमें 5.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके कारण हमें इसमें फ़ोन के कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। जिसके अंदर हमें इसका DJI फ्लाई ऐप मिल जाता है, जिसके कारण ये अपने ड्रोन से कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इसके कनेक्टिविटी की बात हो रही है तो ये भी बता दें कि ये जो ड्रोन है, ये अपना डाटा 25 MB/s की स्पीड से फ़ोन का डाटा, फोटोज़ और वीडियोस को ट्रांसफ़र कर सकता है अपने डाटा में से। इस ड्रोन को क्रैश होने से बचाने के लिए भी DJI ने बहुत बड़ा काम किया है। उसने एक ऐसा सेंसर लगाया जो कि दीवार से टकराएगा नहीं, ऑब्स्टेकल आएंगे उससे बच के निकल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका बैटरी बैकअप कुछ कम है, बस 30 मिनट्स तक ही चल सकते हैं, 30 से 33 मिनट्स। अब एक दूसरी बैटरी लगा के 30 मिनट्स और चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बैटरी मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी, लेकिन ड्रोन से ऐसी बैटरी आती है, जरूर आगे कुछ होगा। फ्रेंड्स, अब इस ड्रोन की विंड रेजिस्टेंस की बात करें, मतलब यह हवा के विरुद्ध कितनी उससे चल सकते हैं, मतलब अगर हवा की स्पीड 10.7 मीटर/s होगी तो उसके आगे जा सकता है, उससे कम होगी तो भी चला जाएगा, उससे ज़्यादा होगी तो नहीं जा पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये इसकी स्पीड। फ्रेंड्स, अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यह 4K HDR पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, 4K 30 FPS एंड 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है। आप इसका 4K पर वो देखिए कैमरा सैंपल। ये ड्रोन 48 MP की फोटो भी खींच सकते हैं, फोटो का सैंपल देखिए। अब इसके वाइड एंगल का सैंपल देखिए और अब इसके स्पीयर फोटो का देखिए, मतलब ये गोल फोटो खींचता है वो भी देखिए। आप इसे वर्टिकल फोटो भी खींच सकते हैं, जो सैंपल देख लीजिए आप। फ्रेंड्स, अब इस ड्रोन की प्राइसिंग की बात करें तो बहुत महंगा ड्रोन है। इसकी प्राइस हो जाएगी $759 की, जो कि हमारे इंडियन रुपीस में हो जाएगा 58,600 रुपीज़, और बिना रिमोट के। अब अगर आप इसको रिमोट के साथ लेंगे तो फिर ये $909 का पड़ेगा आपको, जो कि लगभग 70,200 रुपीज़ पड़ जाएगा, जो कि बहुत महंगा होगा। अगर आपको ये ड्रोन लेना हो तो आप बताइए। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।